यानी कि ये तीन पोर्शन आगे इनके बिल्कुल सामने देखें तो आपको एक कॉरिडोर नज़र आएगा, एक गली नज़र आएगी। उस गली में आपको मेन चीज़ जो ड्राइंग है उसके बारे में पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर आप देखें कि ये कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, जिप्सम इसको बोलते हैं। ये 60x60 की जिप्सम है जिसमें 1 2 3 4 5 पांच यूं करके हैं और साइड पे थोड़े छोटे पीस लगे हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा चलते चलते ये पूरी गली जा रही है। इसमें आप देखिएगा तो ये पहली चीज़ कैमरा को शो कर रही है। ये हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, यानी कि दरवाज़े से एंटर हुए तो ये हमें कैमरा नज़र आएगा। कैमरे के आगे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्मोक डिटेक्टर, उसके आगे ये लाइट है, उसके आगे ये RD है, रिमोट डिटेक्टर। उसके बाद ये है AC की ओपनिंग, ये है इमरजेंसी लाइट, ये है स्पीकर। यानी कि ये वो ड्राइंग है जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, किस तरह से किस चीज़ में लगी हुई है, तो ये उस चीज़ की ड्राइंग को शो कर रहा है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके सामने अगर ज़्यादा सारी ऊपर जिप्सम के पीस लगे हुए हैं तो आपको किस जगह पे क्या चीज़ लगानी है, तो उसकी शो जो है वो आपको यहाँ से कर देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक लाइन में बिल्कुल जा रहे हैं। तो उसी तरह आपको ये सारे सिंबल आने चाहिए, RD लगा हुआ है उसी के साथ। स्प्रिंकलर लगा हुआ है, लाइट लगी है, फ्लैशर है, AC है, इमरजेंसी, RD, यूं करके आप के चलते चलते आपको यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास हर 1 2 3 4 के दरमियान, 4 का फासला छोड़ कर 5वें नंबर पर हमारे पास हर जगह पर लाइट लगी, यानी कि सेम फासले पे हर जगह पे लाइट लगी हुई है। उसके बाद इमरजेंसी लाइट भी आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान में इतना फासला है, और अगली इमरजेंसी लाइट आपको इतने फासले पे मिलेगी। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। सिंबल के बारे में आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि ये हमारे पास लाइट है, ये स्पीकर है, S लिखा हुआ तो ये स्पीकर है, उसके आगे ये RD है, आगे AC की ओपनिंग है, इधर से सेंट्रल AC है जो पूरे बिल्डिंग में हवा देता है, तो उसकी ओपनिंग यहाँ से होती है। उसके आगे यहाँ पर हमारे पास इमरजेंसी लाइट आती है, फिर हमारे पास दोबारा लाइट आ जाती है, फिर हमारे पास स्मोक डिटेक्टर आ जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे करके आगे हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक जा रहे हैं, और यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़े के बिल्कुल ऊपर एक और कैमरा भी लगा हुआ है। तो उसके बाद ये जो ऐसी मोटी मोटी डबल लाइन जो वाली जो लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास दीवार है, ये हमारे पास दरवाज़ा है, दरवाज़े से एंटर हुए तो ये सारा अंदर भी ये रूम सब बना हुआ है। उसके बाद ये पीछे भी आपको रूम नज़र आ रहा है, यानी कि काफ़ी छोटे छोटे अंदर रूम बने हुए हैं इसमें। अभी आपको हम दिखाते हैं कि हम अभी इलेक्ट्रिक रूम में हैं, और अभी आपको आसपास हम इलेक्ट्रिक रूम दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको कॉरिडोर भी दिखाएंगे कि उधर क्या क्या चीज़ कैसे कैसे देती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक रूम है, इस रूम से हम निकल रहे हैं, इसके साथ ही हमने बटन दबाना है तो ये इलेक्ट्रिक डोर लगा हुआ है। तो हम ये दरवाजे से निकल के बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले कैमरा लगा हुआ है, उसी के साथ ही आपको सेंसर नज़र आएगा, सेंसर की RD नज़र आएगा, साइड में लाइट नज़र आएगी, और AC ओपनिंग, इमरजेंसी लाइट, फिर उसके आगे लाइट, उसके आगे लाइट नज़र आ रही है, उसके आगे स्मोक डिटेक्टर नज़र आ रहा है, उसके आगे आपको फ्लैशर नज़र आ रहा है, फ्लैशर के आगे
फिर एसी ओपनिंग आ गई है, फिर स्प्रिंकलर है, फिर लाइट है, और इसी तरह करके चलता चलता आपके पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। उसके बाद एग्जिट लाइट भी लगी हुई है। तो ये हमने आपको सब कुछ बता दिया था वीडियो के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम आगे चलते जा रहे हैं, बिल्कुल आपको वही चीज़ जो हमने पहले ड्राइंग में देखी थी वो आपको सब कुछ एंड तक नज़र आ चुकी है। ये हमारे पास एल शेप में एक कॉरिडोर था जो मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया था। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ और पूछनी है तो